माय फेवरेट रागा में हम जानेंगे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक आइकन्स के ऑफ स्टेज पर्सनालिटी के बारे में, वो शेड्स जो हमें ऑन स्टेज दिखाई नहीं पड़ते। हमारे आज के म्यूजिकल आइकन हैं पद्मश्री पंडित भजन सपोरी जी, हु ट्रेसेस हिज लीनिएज बैक टू द म्यूजिकल एक्सपर्ट्स ऑफ संतूर इन कश्मीर। इंटरेस्टिंगली एज पर आवर नॉलेज, हिज फैमिली हैज बीन प्लेइंग द संतूर फॉर द लास्ट 6 जनरेशंस। लेट्स विजिट हिज हाउस फॉर मोर सच डिटेल्स। प्रणाम पंडित जी, थैंक यू फॉर ओपनिंग अप योर हाउस टू अस। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, क्या बात है, सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे संतूर के संत के घर आ गए। अच्छा, बहुत अच्छी बात। थैंक यू। वी हैव अराइव्ड एट संतूर माइस्ट्रो पंडित भजन सपोरी जीज हाउस। लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट व्हाट इट इज लाइक टू हैव एन ऑफ स्टेज पर्सनैलिटी। पंडित जी, आपसे बात करने के लिए इतनी एक्साइटमेंट मुझे थी, क्योंकि बचपन से जिसको आइडियलाइज किया है, आज उनके रूबरू बैठ के उनसे बातें कर पाने का मौका मिल पाया है। शुक्रिया जी। आपको हमेशा संतूर का संत कहा गया है, क्रिटिक्स ने बुलाया है, ऑडियंसेस ने बुलाया है, ये टाइटल आपको कैसा फील कराता है? सुन के अच्छा तो लगता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो मुझे अपनी परंपरा से जोड़ के रख देता है। हमारा परिवार जो है बेसिकली वो सूफ़ी ट्रेडिशन का है, लेकिन जितने भी मेरे प्रोसीड कर गए हैं, मेरे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर और बाकी मेरे फादर, वो सारे संतूर नवाज रहे हैं और संत ट्रेडिशन को ही फॉलो करते रहे, संतों के लिए बजाते रहे, संत का आना जाना उनके घरों में होता था। और संतूर इटसेल्फ डिवोशनल इंस्ट्रूमेंट रहा है, ये वाद्य यंत्र लोक वाद्य यंत्र कभी नहीं रहा। यहाँ तक कि आचार्य अवनुगुप्त जो खुद नादवीना बजाते थे, और नादवीना कोई और साज नहीं था बल्कि संतूर ही था, उसको नादवीना ही कहते थे क्योंकि नाद जनरेट होता था, वो तो संत ही थे। मैं उनके फलसफे से, उनकी फिलॉसफी से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस्ड रहा हूँ, क्योंकि वो रसा का उन्होंने ज्ञान दिया है। उनका ग्रंथ एक्सक्लूसिव ग्रंथ इन द कंट्री जो इंडियन एस्थेटिक्स को बताता है, तो उसको नज़र में रख के जो भी मैंने संतूर के साउंड के साथ एक्सपेरिमेंटेशन की, वो नाद डेवलप किया, वो राग की इंटरप्रिटेशन डेवलप की, वो सारा उसी एस्थेटिक्स के कंसेप्ट ऑफ एस्थेटिक्स के अंदर है कि एस्थेटिक्स सब्लाइम कैसे हो सकता है, वो कैसे आदमी को टाइम स्पेस से बाहर कर सकता है। तो इस वजह से मुझे वो लगता है कि ये जोड़ता है मुझे। बहुत ही नॉलेज वाला ये एक एस्पेक्ट है जिसको बड़ी ही डेप्थ में समझ पाना मुश्किल काम है, मुझे लगता है। जहाँ संगीत को समझना ही मुश्किल काम है, और संगीत को समझने के लिए आपको पहला जो मूव है, दैट्स यू शुड नो द कंसेप्ट ऑफ एस्थेटिक्स क्या है वो, कि और ह्यूमन रिस्पॉन्स कैसे होता है, ताकि जो आप बजाएं आप कम्युनिकेट कर सकें और वो उसको एब्जॉर्ब कर सकें, और आपको उनके जो रिस्पॉन्स है उसको आप एब्जॉर्ब कर सकें, ये कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड यू ट्रेस योर लीनिएज बैक टू कश्मीर, एंड इट इज़ कंसिडर्ड द लैंड ऑफ ब्यूटी। वहाँ पे एस्थेटिक्स के मायने ही अलग हैं जी, और वही हम आपके म्यूजिक में भी देखते हैं, और वही हम आपके पहनावे में भी देखते हैं, आपके बातचीत में भी देखते हैं। हाँ, मैं कोई चीज़ अदर देन कश्मीर नहीं पहनता। मेरा कुर्ता वगैरह सारा जितना भी ड्रेस है वो वहीं से बन के आता, वहीं से भिजवा देते हैं। दैट इज व्हाई दिस एस्थेटिक लुक आल्सो यू हैव ऑन स्टेज एंड ऑफ स्टेज। हाँ, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा और लोगों की मोहब्बत है वो।
पंडित जी, हमें पता चला कि आप ऑल इंडिया रेडियो के कारण से दिल्ली आए। अच्छा, पता चला। पर हम जानना चाहते हैं कि क्या कश्मीर में भी आप इससे जुड़े हुए थे? मैं वैसे, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं ऑल इंडिया रेडियो में 30 साल रहा हूँ, और आई वॉज द यंगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो 1974। यस, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं उस वक्त यंगेस्ट था। उस वक्त मेरा जो पोस्ट था, इट वॉज ऑलमोस्ट DDG पोस्ट, और उस रैंक तक एक प्रोफेशनल पहुंचा नहीं था कोई। और मेरे जीवन में ऑल इंडिया रेडियो की काफ़ी देन है, इंक्लूडिंग दूरदर्शन आल्सो। क्या बात है, क्या बात है। दिस ऑल्सो इज एन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट। वी वॉन्ट टू नो फ्रॉम पंडित जी कि कश्मीरी क्विजीन अपने आप में वर्ल्ड फेमस है, तो उनकी कौन सी एक ऐसी फेवरेट डिश या रेसिपी है कश्मीरी फूड की जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है? साग। साग। देखिए, साग एक तो ग्रीन वेजिटेबल है और प्योर रहता है वो, उसमें कोई मसाले वसाले भी नहीं पड़ते, और साग सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, और साग उस माहौल में भी खाना अच्छा लगता है कि चारों ओर से माउंटेन्स हो, पानी बह रहा हो और आप साग खा रहे हो, अच्छा लगता है। वाह, आई एम श्योर कई आपको पुरानी यादें भी इस समय आप मुझे याद करवा रहे हैं। कश्मीर की एक और भी बड़ी फेमस चीज़ है कहवा। कहवा, अरे वाह। और क्या आपके घर में रेगुलरली अभी भी पिया जाता है? कहवा रेगुलरली पिया जाता है और हमेशा ही हमें बहुत अच्छा लगता है पीने को, ताकि कश्मीर की याद भी बराबर रहे। और इस वक्त भी आपको कहवा पिलाई। सचमुच? जी हाँ। अरे, ये मेरी मिसेज हैं। नमस्कार। और शी इज माय प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर। वाओ, अमेजिंग। वी हैव बीन क्लास फेलोज आल्सो, तो तब से ये कहवा पिला रही हैं मुझे, और आज मुझे भी ये सौभाग्य मिला। बिल्कुल, थैंक यू पंडित जी। प्लीज जी। पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ कि फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं, जब जो थोड़ा बहुत समय आपको कॉन्सर्ट से खाली मिलता है, व्हाट डू यू लाइक टू डू? देखिए, मेरे जीवन का हमेशा से एक चीज़ रहा है, 10-15 मिनट में अपने लिए एक्सक्लूसिव रखता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे स्क्रिप्ट वगैरह देखे, जो कंपोजिशनल स्क्रिप्ट होते हैं कि कहाँ म्यूज़िक बनाना है, या फिल्म्स के स्क्रिप्ट हैं जितना भी, या गज़लें हैं, ये सारा करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा अपने बगीचे में जाता हूँ, जो भी हो, क्योंकि गांव का होना तो उसके साथ ज़रा सा ज़्यादा मुझे कनेक्टिविटी है, और मैं जाऊँगा थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए, और अपनी चाय भी मैं साथ ले जाता हूँ, फिर मैं थोड़ा बैठता हूँ वहाँ, और जो मुझे कुछ करना है, जो चिंतन है, कोई कंपोजिशन सोचनी है या कुछ उसका थोड़ा तराश देखना है, वो मैं वहाँ उन 10-15 मिनट के लिए। That's amazing. तो क्या हम ये चाय आपके बागीचे में अभी ले चल सकते हैं? बागीचे में भी बिल्कुल पी सकेंगे, और वहाँ बहुत अच्छा लगेगा आपको। प्लीज, तो मैं आपका बागीचा देखना चाहती हूँ। चलिए, आइए। वाओ, कितना सुंदर बागीचा। ये अलग अलग यहाँ लगाए हैं, और माली बहुत ख्याल रखता है इसका। और आपको खुद ही गार्डनिंग का शौक है? थोड़ा बहुत जो मैं कर लेता हूँ, लेकिन ज्यादा तो माली ही करता है जी। और आप जैसे कश्मीर में टाइम स्पेंड करते हैं आउटडोर्स पहाड़ों के बीच, वैसे यहाँ पे आप अपना यहाँ पे? हाँ, थोड़ा सा ये मतलब सुकून मिलता है, क्योंकि मैं रेगुलरली वहाँ जाता था डल लेक पे। मेरा रेगुलर ये था कि सुबह की चाय मैं डल लेक पे ही पीता था। क्या बात है। पंडित जी, घर में जब आप समय बिताते हैं, मैंने देखा है कि आप ऑन स्टेज अपने बेटे के साथ परफॉर्म भी करते हैं, एक बहुत ही अलग तरह की केमिस्ट्री निखर कर आती है उसमें, तो क्या ऑफ स्टेज भी पर्सनालिटीज आप लोगों की वैसे ही हैं, बहुत ही रिस्पेक्टफुल और रिजर्व्ड, या ऑफ स्टेज बहुत ही इनफॉर्मल है? नहीं, मुझे लगता है कि हम स्टेज पर भी इनफॉर्मली हैं, अदरवाइज भी इनफॉर्मली हैं, क्योंकि फॉर्मेलिटी में कोई ऐसा रखा नहीं है। बाप बेटा हो या बाप डिसाइपल हो, गुरु डिसाइपल हो, तो एक लिमिट तक डिसिप्लिन चाहिए जब आप तरबियत दे रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं, उसके बाद फिर इज्जत होनी चाहिए, फिर वो ज़रूरी नहीं है कि वो देर शुडन बी एनी स्ट्रेस, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल फ्री हो और फ्रेंक होना चाहिए,
और जीवन की सच्चाई ही यही है कि जितना आप सादा रहें और रियल रहें, ओरिजिनल रहें, उतना ज़्यादा अच्छा। हम अभी मुलाकात आपकी वाइफ से भी, एंड यू स्पिल्ड टू अस दैट यू बोथ वर क्लासमेट्स बैक इन कॉलेज। जी हाँ, वो इन यूनिवर्सिटी। सो वाज दिस लव एट फर्स्ट साइट? एक्चुअली शुड हैव बीन लाइक दैट, या मस्ट हैव बीन लाइक दैट। दैट मस्ट हैव बीन वेरी प्रोग्रेसिव फॉर दोस टाइम। Times it was really something, you know, really happening. ऐसा था, लेकिन चूंकि हमारा profession ऐसा था ना, तो उसमें ये सारी चीजें तो चलती है। तो क्या आपको ऐसा लगा कि as a classical musician ये मेरे मुझसे expected नहीं होगा, लोगों को लगेगा कि I will go for something? नहीं, actually देखिए क्या होता है कि musicians के लिए लोगों का प्यार बहुत हमेशा रहता है, एक attachment रहती है। तो मेरे जीवन का यही रहा कि जो भी करो अच्छा करो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि ऑन स्टेज आपके फैंस ने आपसे कोई ऐसी फरमाइश कर दी हो? मेरे से ज़्यादा छूट लेते हैं वो, ज़्यादा करते हैं। और मैं आपको ये किस्सा बता दूँ, मेरे कोई प्रोग्राम था दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही था, तो उन्होंने थोड़ा पहले शुरू कर दिया। मैं एक और राग मिला के आ गया था, शाम की ही मिलाया था, लेकिन बाई द टाइम मैं स्टेज पर पहुँचा तो वहाँ जितनी भी गैदरिंग थी उन्होंने कहा कि गुरु जी, हमने मारु ब्याह काफ़ी टाइम से नहीं सुना जी। किसी का जी। तो इतना फंक्शंस होते रहे। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने मारु ब्याह मिला दिया। वो 6:15 के करीब था, क्योंकि मेरा ख्याल है सितंबर का महीना था या अक्टूबर का रहा होगा, तो सनसेट उतना अर्ली नहीं हुआ। मेरा पता नहीं भाई, तो ऐसा उस वक्त समा ये कि मेरे फादर भी आके बैठे, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब मैंने मिला दिया टाइम से तो नहीं गया, आगे थोड़ा पहले चला गया, मेरा ख्याल एटलीस्ट 1 आवर अर्ली। खैर, लोगों को बहुत अच्छा लगा, उनको अपनी चॉइस का राग मिल गया, उन्होंने बहुत अच्छा सराहा। जब हम घर पहुंचे तो मेरे फादर ने एक ही क्वेश्चन पूछा, ये मारू ब्याह का टाइम कब से बदला दिया आपने? मैंने उस दिन से लेके, मैंने कहा कि भाई टाइम थ्योरी को हम बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली। Very strict about these things. No, about the time theory. Very strict. Pandiji, you've been traveling all over the world and taking Santoor forward. तो कई बार को आर्टिस्ट्स के साथ भी ट्रैवल करने का मौका मिलता होगा अक्रॉस डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो कभी कोई ऐसा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट, कोई ऐसी स्टोरी ट्रैवलिंग के समय जो हमारी ऑडियंस ने कभी ना जानी हो? देखिए, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप ट्रैवल करते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि को पैसेंजर कौन है। हाँ, हम ट्रैवल कर रहे थे तो कलकत्ता से एक पैसेंजर बैठे और उन्होंने पहचाना मुझे, मैंने नहीं पहचाना। नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम बहुत हाईफाई नाम है जी। तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे 2 गाने रिकॉर्ड किए थे, वो कहाँ हैं? ये रिकॉर्डिंग 25 साल पहले हुई थी। ओके। तो मैंने कहा कि आप कौन? तो उन्होंने नाम बताया कि आपको नहीं याद, उनका मुझे नहीं याद। संभव बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिल के, उस वक्त बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ ए पर्सनैलिटी आई वॉज टॉकिंग टू नाउ। जब मैं उस वक्त बता रहा था, उनको गाना बता रहा था, इट वॉज समथिंग डिफरेंट। उस वक्त वो एक आर्टिस्ट था, हालांकि अभी भी है, उनके टेम्परमेंट में वैसा ही है, वो ना रिफाइंड आर्टिस्ट, बहुत ही रिफाइंड आर्टिस्ट, लेकिन अब चूंकि स्टेटस दूसरा है। लेकिन उन्होंने जब मेरे साथ वार्तालाप किया, वो टिपिकल एज ए म्यूजिशियन ही था। उन्होंने बाकी उस किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया, सिर्फ ये बताया कि आजकल मैं यहाँ हूँ, मुझे नहीं मालूम था। क्या बात है। तो इट वॉज समथिंग वंडरफुल ऑफ हिम, मुझे बहुत अच्छा लगा। पंडित जी, आपने अभी मेंशन किया कि फेमस पर्सनालिटीज के साथ बहुत बार आपने काम किया है और फिल्म्स में भी म्यूजिक दिया है, तो कभी पर्दे के सामने आने की बात नहीं चली? आई एम श्योर ऑफर्स तो आपको बहुत आए होंगे, आपका लुक बिल्कुल हीरो से कम नहीं है। संजय जी, आपने बहुत ही एक पुरानी रंग को जो ना तो कहना कि किसी को छेड़ना, तार को छेड़ना। एक्चुअली मुझे उतना एक्टिंग में उतना ये नहीं शौक है, लेकिन एक्टिंग में सबकी सराहता हूँ। मुझे एक ऑफर आया था कि मेरे एक दोस्त हैं, वो फिल्म बना रहे थे उमर खयाम पर। ओहो। तो उन्होंने कहा कि एक दिन गाना सुनते सुनते बोला कि भजन भाई, यार ये उमर खयाम वाली एक्टिंग आप क्यों नहीं करोगे? आपका ड्रेसअप वैसा ही लगता है, पूरा पूरा सेट भी ऐसा लगता है और लुक भी वैसे ही है। तो मैंने हंसते पूछा, मैंने कहा कि भाई उस उमर खयाम वाली जो उसमें केटली है, उसमें विस्की कौन सी वाली रखोगे? नकली रखोगे क्या, असली रखोगे? तो खूब हंसे। मैंने कहा नहीं, ये मेरा पेशा नहीं है, ये मेरे शायद प्रोफेशन नहीं है, सोच नहीं है, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। मुझे थोड़ा सा कैमरा वर्क बड़ा डिफरेंट रहता है और उसमें अपनी रिक्वायरमेंट होती है, मुझे म्यूज़िक तक ही रहने दो, यही ठीक है। पंडित जी, वैसे आपकी प्लेलिस्ट पे
कौन से आर्टिस्ट टॉप पे होते हैं ऑफ स्टेज, आप किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? देखिए, अगर कंपोजिशन की ओर जाएं तो मेरे सिलेक्टेड कंपोजर्स हैं पुराने, जैसे शंकर जयकिशन हैं, मदन मोहन जी हैं, नौशाद साहब हैं, अनिल विश्वास जी हैं, मैं बोराल साहब के भी गाने सुनता हूँ, उनके भी कुछ कंपोजिशंस बहुत अच्छी हैं। तो मैंने सुना है, क्योंकि मैं गिटारिस्ट भी था, मैं गिटार 25 साल बजाया हूँ, क्लासिकल गिटार, जी हाँ, कॉन्सर्ट भी किए और लाइट में बहुत बजाता था। मुझे लगता है कि मेरे कंपोज़र बनने में, कंपोज़र बनना नहीं बल्कि कंपोज़र का जो पूरा एक सेटअप माइंड बनाने में, उनकी कंपोजिशंस का भी काफ़ी हाथ रहा है। वाओ, ये हमारे लिए बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन है, हमें बिल्कुल नहीं पता था इस एस्पेक्ट के बारे में जी, भी जी, 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 जी। और माय फेवरेट रागा जो एज अ सीरीज है, इसमें भी आर्टिस्टों से रिक्वेस्ट किया गया है कि अपने फेवरेट रागा के बारे में बताएं। सो हाउ डिफिकल्ट इज इट टू चूज वन रागा एज योर फेवरेट? है, मुश्किल है, लेकिन हर राग फेवरेट ही है। अभी डिपेंड करता है कि कौन सा टाइम है और किसके लिए बजाना है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज राग आपकी ज़िंदगी से अलहदा नहीं हो सकता, अगर वो अलहदा हो गया तो वो आपका राग नहीं रहेगा। अमेजिंग। तो हम अपने व्यूअर्स को रिवील नहीं करेंगे कि पंडित जी का फेवरेट रागा कौन सा है, पर हम बहुत एक्साइटेड हैं, अभी तो नहीं, अगले सेगमेंट में हम ज़रूर बताएंगे व्हाट इज पंडित भजन सुपोरी जीज़ फेवरेट रागा। मैं दूरदर्शन को बहुत बधाई देता हूँ, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिसमें कि हमारे देश की 10 प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ को लिया गया है और 10 थाटों को लेके 10 कलाकार, लेजेंडरी म्यूजिशियंस हमारे कंट्री के। लेकिन दुविधा ये है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, यानी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे मेरे फादर साहब के साथ, जो मेरे गुरु हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत करनी है, उनसे सवाल पूछना है, ये बड़ा कठिन काम है। उनके साथ बैठ के बजाना वो एक इतना डिफिकल्ट टास्क होता है, और ख़ास तौर पे अगर हम बजा रहे हैं और वो सामने बैठे हैं तो 50-60% से ज़्यादा रिसाइटल, जो आप कहें कि जो हम दे सकते थे, वो कम हो जाता है, क्योंकि उनकी प्रेजेंस हमें इतना कॉन्शियस कर देती है एज डिसाइपल। तो मैं ईश्वर से ताकत मांगूंगा कि मैं अपने गुरु, अपने फादर से सवाल पूछ सकूं। बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आई एम श्योर इससे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बाहर आएगा, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा और जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको कोई एक नई चीज़ देखने को, सुनने को, महसूस करने को मिलेगी। हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे कल्चर में एक बहुत खूबसूरत अंग जो हर एक भारतीय के साथ जुड़ता है वो है हमारा संगीत, जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमारा रीजन है, वहाँ का संगीत कल्चर, हमारी भावनाएं इनसे जुड़ी हुई हैं, और हर एक भारतीय उसकी जो मूल पहचान है वो उसके संगीत और उसके कल्चर से आती है, जिसमें कि
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत एक बहुत बुलंद जगह पर है। कश्मीर की अगर बात की जाए तो वहाँ का जो वहाँ की एक परंपरा है, वहाँ का घराना है, एक बहुत बड़ा योगदान है। जितने भी हमारे पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें शततंत्री वीणा एक ऐसा साज आता है जो बहुत एक एंशंट इंस्ट्रूमेंट है। कश्मीर से जुड़े होने के कारण वो शैविज्म का हिस्सा रहा, सूफिज्म का हिस्सा रहा और आज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक बहुत बड़ा मकाम संतूर का है। राग पद्धति हमारी साज के थ्रू आनी चाहिए। जिस वक्त हम बजाते हैं तो वहाँ पे गाना रिफ्लेक्ट होना चाहिए और हर आर्टिस्ट, हर जितने भी हमारे लेजेंडरी म्यूजिशियंस रहे हैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, उनकी हमेशा कोशिश रही है कि इस गायकी अंग को किस तरीके से हम अपने साज में पिरोएं। ऐसा ही एक नाम हमारे लेजेंडरी म्यूजिशियंस इस कंट्री के जो हैं उनमें एक नाम है पंडित भजन सोपोरी। मैं उनका बेटा हूँ, उनसे सीखा है और आज अपने गुरु और अपने पिताजी के साथ बैठ के कुछ चीज़ें उनके बारे में जानेंगे। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ। शुक्रिया। इस प्रोग्राम में माय फेवरेट रागा, सबसे पहले मुझे लगता है कि किसी भी कलाकार के लिए बड़ा मुश्किल होगा ये कहना कि ये मेरी फेवरेट रागा है, लेकिन तब भी कुछ ऐसी रागा रहती हैं जो हमारे दिल के क्लोज होती हैं और जब भी मौका मिलता है हम ज़रूर गाते बजाते हैं। आपका कोई एक ऐसा राग जो आपके बहुत पसंद हो? एक्चुअली जहाँ राग शास्त्र की बात है, हमारे संतों ने, पीरों ने, फ़कीरों ने, पुराने म्यूजिकोलॉजिस्ट ने हजारों राग रागरों की रचनाएं की हुई हैं जी। और जो इंडिपेंडेंट रागाज हैं, मतलब स्ट्रक्चर्स किसी और राग से मिश्रण नहीं है, जो भी मेरा, जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, मुझे वो हर स्ट्रक्चर अच्छा लगता है और जितना वो नायाब हो, जितना रेयर हो, जितना टफ हो, उसको हैंडल करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे फादर पंडित शंभुनाथ सोपोरी, उनकी तालीम, उन्होंने जो अपने कस्ब से मुझे बताया और उसी कस्ब का आप भी हिस्सा हैं जो मैं बता रहा हूँ, उसमें राग कोई भी हो वो खूबसूरत ही है, वो एक रचना है, वो एक कंपोजिशन है, लिखित है, फिर सेना बसेना उसकी इंटरप्रिटेशन है, यानी ट्रेडिशनल गाराना पद्धति में उसकी एक इंटरप्रिटेशन बन जाती है। तो जो एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को कैसे इंटरप्रेट कर लेंगे, किस साज के थ्रू करेंगे, क्या वोकल के थ्रू करेंगे या तंत्र के थ्रू करेंगे, किस माहौल में करेंगे, मेरे लिए ये भी काउंट करता है। मेरे साथ बजाने वाले कौन हैं, ये भी उस कंपटीशन का हिस्सा है, क्योंकि तबला प्लेयर, पखावज प्लेयर जो भी मैं लेता हूँ, गटम लूँगा, मृदंगम लूँगा, वो उस वक्त उसी कंपटीशन का हिस्सा है। और हमारे शास्त्रीय संगीत में ये एक बहुत बड़ी खूबसूरती है जो हमारा सर्वाइवल भी है, कि बहुत पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस रहीं काफ़ी ज़्यादा कंट्री में, ख़ासतौर पर नॉर्दर्न इंडिया में बहुत पहले, तो उसमें कई चीज़ें लुप्त होनी चाहिए थी, लेकिन ईश्वर की कृपा ये है कि वो इतना सिस्टम इतना परफेक्ट है, इतना मजबूत है, इतना साइंटिफिक है कि वो डिस्टॉर्ट नहीं होता, वो एज इट इज़ है। टू दिस एक्सटेंट कि कोई भी राग आज आप लेंगे वो एक होगा इंटरप्रिटेशन, दूसरे दिन अगर वही लेंगे उसकी इंटरप्रिटेशन बदल जाएगी, वो पूरे माहौल को लेके, पूरे सिनारियो को लेके वो एक कंपोजिशन वैसी रची जाती है जो लिखित नहीं है बल्कि साइमल्टेनियसली उसी वक्त क्रिएट की जाती है, जिसमें आपकी साधना, आपका चिंतन, आपका ज्ञान, आपकी तालीम, आपका अपना रियाजत, कस्ब कितना आप कर पा रहे हैं। तो इस वजह से मेरे लिए हर राग अपनी खूबसूरती लिए हुए है, लेकिन अभी जो मैं जो सिलेक्ट किया हुआ है वो मारवा है। बहुत ही खूबसूरत राग है। बहुत खूबसूरत राग भी है और गंभीर राग भी है। मैं
पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे भी होंगे जो इन जिन्हें आप बताएं नुएंसेस हमारे रागा सिस्टम की जो हैं शायद उनसे उतने वाकिफ ना हो, लेकिन कभी भी आपको सुने तो मेरे लिए भी और सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। थोड़ा सा अगर मारवा का आप बताएं कि चलन कैसे रहती है और क्या उसमें चीज़ों को हमें ध्यान में रखना। क्या है मारवा? थाट का राग है, थाट का भी राग है, आश्रय राग कहलाता है। ऋषभ देवत बड़े प्रबल नोट्स हैं इसके। अगर देखा जाए तो देवत और ऋषभ की कॉम्बिनेशन हार्मोनाइजेशन के हिसाब से, जो श्रुति के लगाव के हिसाब से, काउंटिंग के हिसाब से, वादी संवादी में वो आता नहीं है, उस फ्रेम में नहीं बैठता। लेकिन शास्त्र के हिसाब से वो ये कहते हैं कि ये पुरुष राग है और रौद्र रूप लेता है, और कुछ शास्त्रकार इसे ये भी कहते हैं कि रस के हिसाब से ये भयानक प्रकृति का राग है। मैं ये समझता हूँ कि जो डिफाइंड ये कंसेप्शन है कि कंसेप्ट ऑफ रसा को लेके, श्रुतियों के लगावों को लेके, प्लेसमेंट को लेके, इसमें कोई दोहराई ही नहीं कि राग वीर रस का राग है। अगर हम ये माने कि पुरुष राग है, लेकिन गंभीर प्रकृति का राग भी है, क्योंकि मनुष्य मिजाज से, सोच से, चिंतन से बहुत गंभीर होता है, क्योंकि लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतना स्ट्रगल है, इतना आगे का किसी को खबर ही नहीं, तो उसमें कहीं ना कहीं 24 घंटे के सर्कल में वो उस गंभीरता में चला जाता है, जिसके हिसाब से हमारे जो कंपोजर्स रहे हैं, रचयिता रहे हैं, उन्होंने कुछ कंपोजिशंस भी इसी रस के हिसाब से इवॉल्व की हुई, लिखी हुई है, ताकि वो उस टाइम के हिसाब से भी बैठे, भाव के हिसाब से बैठे, और जो भी एक इंटरप्रिटेशन है, मन के विचार है, विचारधारा है, जो एक म्यूजिशियन अपने रिसाइटल में बयां करता है या कंपोजर बताता है, वो उसमें छलके। तो अब ये है कि कैसे इवॉल्व किया जाए, अब ऋषभ देवत है, इसको कैसे हैंडल किया जाए और राग का स्वरूप कैसे आए। देखिए, रे 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 ये थोड़ा गाने का मैं बताया, मेरे फादर ये कहते थे मारवा में जब शरज आता है तो इसी ढंग से आना चाहिए कि जैसे शाम को चिड़ियाँ आ रही हैं, पहले डायरेक्टली वो अपने घोंसले में नहीं जाती, बल्कि घूम फिर के, कभी एक टहनी, कभी दूसरी टहनी, कभी किसी डाली, फिर वो उस जगह पहुंच जाती हैं, अपने घोंसले में पहुंच जाते हैं। सब शरज का लगाव ऐसा ही होना चाहिए। कैसे आता है ये शरज?
ये मारवा का खाका है, यानी तीन चार नोट्स में राग डिफाइन हो गया, हाँ ये मारवा है, ये सोनी नहीं है, ये पूरिया नहीं है, ये मारवा ही है। ये ज़रूर यहाँ पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे आपने जो सिखाया भी है मुझे कि बहुत सारे लोग मारवा में निषाद और गंधार की कॉम्बिनेशंस के साथ खेलना थोड़ा उससे कतराते हैं, पूरिया की वजह से भी उधर गए तो वो चेंज होके पूरिया में चला जाएगा, लेकिन हम लोग नी और गा का काम करते हैं और काफ़ी समय तक उसको उसकी बढ़त करते हैं, तो वो खूबसूरत अंग जो है कि किस तरीके से गंधार को लेते हुए भी मारवा बरकरार है। देखिए देखिए, जब हम स्ट्राइक करते हैं, नोट स्ट्राइक करते हैं, तो वाइब्रेशन ऑन एयर है। कौन सी वाइब्रेशन आप रिटेन करेंगे, सस्टेन करना चाहेंगे और उसके अंदर किसी और नोट की एंट्री करेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक तंत्रकार के लिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोकलिस्ट में वाइब्रेशन वहाँ ख़त्म हो जाती है, नोट दिया जो बंद किया तो ख़त्म हो गया। अब जब मैं, आपने कहा कि गंधार ले लीजिए या निषाद ले लीजिए, तो देखिए ये धर्मत्रिषय आपको मिलता जाएगा सुनने में, ये बराबर आपको साउंड की आती जाएगी। आपको सभी लोग सेंट ऑफ संतूर, किंग ऑफ स्ट्रिंग्स बुलाते हैं, आपके लिए तो आसान है, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है ये ट्रीटमेंट। नहीं, एक्चुअली ट्रीटमेंट क्या है, बेसिक राग का सांचा आदमी के जहन में होना चाहिए बिल्कुल क्लियर, जो चीज़ आप बजाएं। ये सभी पॉसिबल नहीं है कि हज़ारों राग रागनियाँ हैं सभी आदमी ना हैंडल कर सकता है, पता भी नहीं होता है, क्योंकि कुछ लुप्त हो चुके हैं, जिसका लुप्त हो गया है वो शास्त्र कुछ भी नहीं करेगा, शास्त्र से आप इंटरवीन कर नहीं सकते, बहुत लिमिट तक ही जा सकते हैं, लेकिन उससे मिलते जुलते राग जितने भी हैं वो उनकी खबर होनी चाहिए। तो जब आपको पूरा, ये तो एक जाल है जिसमें कि आपको बड़े ही संभल संभल के चलना है, अगर आपको पाथ पता हो तो फंसेंगे नहीं, अगर नहीं पता तो फंस जाएंगे। मारवा में एक दो गते, जैसे अभी हमने बंदिश ली, ठीक है, एक आध गते अगर आप अच्छा गाते हैं, ठीक है, पहली गते एक ताल में मैं लेता हूँ, दूसरी गत फिर तीन ताल में, में देखिए जरबों का अलग अलग रंग, we'll be right back।
इस गत की चलन का, इस राग की रिक्वायरमेंट का, और इसी टेम्पो में ये गत इसी टेम्पो में जानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस गत को हम नीचे टेम्पो में लाएं तो वो ये लगेगा कि वो मैदान में कोई रेसर जो है वो रेस की जगह पैदल चले जा रहा है, तो वैसा ही लगेगा इसमें, क्योंकि संगीत जीवन से बहुत ही जुड़ा हुआ है, पूरा अच्छी तरह से हमारे समाया हुआ है, हर बशर में हर जरे में ये समाया हुआ है, और इसका एक्सप्रेशन हर आदमी अपने हिसाब से हमेशा ही करता रहता है, सिर्फ फ़र्क ये है कि उसे खबर नहीं, और जिनको खबर है वो तो खैर जानते ही जानते हैं। जी, आपने बचपन में ही मुझे बताया था जब बजाना शुरू किया कि राग एक फिलॉसफी की तरह ट्रीट करो, और वो हर साल हर दिन हर महीने वो बस बढ़ती रहती है, और वही हमारी इंटरप्रिटेशन हमारी लाइफ है, यानी राग हमारी है, वो हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है हमारे थॉट्स की, बराबर, और शायद हमारे संगीत से हमारी पर्सनालिटी को ईजिली कोई आइडेंटिफाई कर सकता है बराबर, और काफ़ी असर भी पड़ता है। हम जो बताते हैं नाद योगा वो ट्रीटमेंट है और ये सारा है, वो एक्चुअली यही सिस्टम है, उन्होंने यही पर जो हमारे पेयर्स रहे हैं सेयर्स रहे हैं उन्होंने यही बात बताई है कि अपनी पर्सनैलिटी को चिजल करने के लिए भाई संगीत के माध्यम से बढ़कर कोई और ही माध्यम नहीं है, और तभी हर जगह हर रिलीजन में आपको संगीत ही नज़र आ जाएगा। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा इसमें कि जैसे जब आपने मुझे मारवा सिखाया भी, और मुझे याद है एक कॉन्सर्ट में आपने बोला तो मारवा था और आप पूरिया शुरू हो गए थे उस कॉन्सर्ट में, और उस टाइम पे मेरा पूरिया बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं था, थोड़ा सीखा तो था लेकिन रिसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मैंने काम नहीं किया था, और अगर आपको याद होगा तो मैं घर आके पूछा भी था कि पापा लास्ट मोमेंट पे आपने राग चेंज किया, तो आपने कहा था जब दरिया में उतरो तो पूरी तरीके से तैयारी से उतरते। हाँ, बराबर, यानी अगर मारवा बजाना है तो पूरिया भी पता होना चाहिए, सोनी भी पता होना चाहिए, बराबर। उसमें यह भी मैटर करता है कि अगर ऑडियंस में से कोई पूछ लेता है साहब पर जी आज ये नहीं है ज़रा ये सुनना चाहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, यानी जब आप, हाँ, सिस्टम था कि हर चीज़ खबर होनी चाहिए, जो भी पॉसिबल है जितना ज्ञान आप ले सके उतना पता होना चाहिए जी। वो श्योर होना चाहिए कि हाँ ये है। ऑक्टेव्स का भी एक महत्व है, कुछ मारवा की ही बात की जाए तो एक स्लांट है उसका, सोनी की बात की जाए उसका एक अपना एक हायर ऑक्टेव की तरह स्लांट है, लेकिन जनरल तौर पे अगर देखें कोई मारवा को हायर ऑक्टेव में ट्रीटमेंट में हल्का सा दाएं बाएं हो जाए तो शास्त्रकार कहेंगे कि शायद सोनी बजाना चाह रहा है लेकिन बज नहीं रही है। लेकिन जहाँ पे कि आपने संतूर में 5.5 ऑक्टेव्स क्रिएट किए तो वहाँ पे मारवा जैसी राग को जब आप हायर ऑक्टेव में लेते हैं तो वो कैसे मारवा ही बरकरार रहती और सोनी नहीं रहती? देखिए,
देखिए वही फ्रिक्वेंसी हर जगह वो मेंटेन हुई जी। और अगर कहीं कहीं कुछ लगा कि यहाँ कहीं कोई ब्रेक पॉइंट ना मिले तो ये फिलिंग जा रहा है, ये तो ये जो एयर में रहता है ये ध्वनि, सारा संगीत वही है, बेसिक ध्वनि है कि उसको कैसे हैंडल करेंगे आप, किस वैरायटी से, किस ढंग से, किस डेप्थ से, कि अगर आपके पास जरिया ना हो कम्युनिकेशन का तो राग शास्त्र फिर ठीक बैठेगा नहीं। राग शास्त्र पूरा साइंटिफिक है, सिस्टमैटिक है, हर चीज़ मपी तुली, और उसके बाद फिर आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, आपने क्या चिंतन किया है, आपने क्या रियाजत की है, और क्या थॉट है आपका, क्या चलन है आपकी, क्या सोच है आपकी, और क्या शैली है आपकी, ये सारी चीज़ों का आपका रिसाइटल जवाब देता है। शैली की अगर हम बात करें, हमारे घराने तो बहुत हैं कंट्री में, लेकिन हमारे बहुत ही गिने चुने शैलियां हैं जो उन घरानों में एक नई चीज़ ऐड होती है, बाज है। फिर चाहे हम इमदाद खानी बाज की बात करें, हम जाफ़र खानी बाज की बात करें, खान साहब की जो हलीम जाफ़र खान साहब की शैली है, सोपोरी बाज है आपकी, तो सोपोरी बाज की जब एक इंटरप्रिटेशन आती है तो राग एक नया डायमेंशन लेता है। अलाप जोड़ जो हमारे फोर फादर्स बजाते थे वो तो है ही वहाँ, लेकिन उसके अलावा सोपोरी बाज जब आता है तो बहुत सारी चीज़ें, चाहे मींड, गमक और जो भी गायकी तंत्रकारी अंग आपने जोड़ा है, छंद का आपका बहुत वर्क रहता है। इनफैक्ट आपका रिसाइटल छंद डोमिनेटेड है, लेकिन आप ये भी बताते हैं कि हर छंद हर राग में अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, अच्छा कोई ऐसी चीज़ जो मारवा में, मारवा में जो जन, हाँ, जो मारवा के टेम्परमेंट के हिसाब से, हाँ। राग डेकोरेशन है, पेंटिंग है, उसकी इबादत है। आप इसको कैसे सजाने की कोशिश करेंगे, किस चीज से सजाने की कोशिश करेंगे, ताकि उसका जो शास्त्रीय रूप है, जो डेफिनेशन है, वो बरकरार रहे और आपकी नई बात भी बने, भाई हाँ ये बात की है। अब जैसे छंद से पहले मैं इसको थोड़ा डेकोरेट और करूँगा, कैसे डेकोरेट करूँगा, thank you.
ऐसे 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 इसी किस्म के अलग अलग पैटर्न्स में जो थोड़ा एनर्जेटिक हो, वो बयां कर सके कि हाँ ये जाना चाहिए, तो वो इस रस को डिफाइन भी करेगा और राग के टेम्परमेंट, मूड और मेरी शैली जो है उससे वो मैच करके आगे बात आएगी। हमारे सुपुरी बाज तो गायकी तंत्रकारी अंग और एक ऐसा खूबसूरत मिश्रण है, और लोग तो कहते हैं कि आपका संतूर गाता है। गाना चाहिए, हर साज गाना चाहिए, और वही परफेक्शन है कि गाने के कितने अंश आपने उतारे हैं ताकि राग की प्योरिटी बरकरार रहे, उसका वो जो एक सस्टेन है, नोट्स का सस्टेन है, नोट्स का लगाव है, कितनी परसेंटेज, किस मायार से, किस मापतोल से, किस कम्बिनेशन में कौन कौन सा नोट आना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए, तो वो सेस हिसाब ठीक बैठेगा। बिल्कुल, जैसे दादाजी भी सिखाए हैं, आप जब भी सिखाएं तो हाँ। कभी भी संतूर पे उस चीज़ की शुरुआत नहीं हुई। इनफैक्ट दादाजी तो पहले कहते थे पहले गाओ। हाँ, मैं वो तो पहले ही यही था, गाओ फिर हाँ वो तो मैं जैसे क्या बंदिश कौन सी गाई है। अब जैसे इसमें एक जो तीन ताल की बंदिश है, अगर वो हम अपने श्रोताओं के लिए हाँ सांझ भाई जोगिया रोए हाँ सांझ भाई जोगिया रोए सांझ भई। और आप हमेशा जो एक डिफरेंस है गत का और बंदिश का, वो हमेशा हमारे बाज में एक अलग तरीके से चलता है। जैसे हम बंदिश आते हैं चलन अलग है, गत का चलन अलग है, तो वो एक बहुत खूबसूरत चीज है मुझे लगता है जो और थोड़ा सा ये सांझ भाई बताती है। जोगिया रोए सांझ भई, जोगिया रोए रोई रोई के अलख जगाए सांझ भई। वाह, ये मारवा राग तो मुझे लगता है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में भी काफी गीतों में यूज हुआ काफी है। इस थाट के इसके मिलते जुलते भी राग हैं, काफी आए हैं, सोनी में भी आए हैं खासतौर पे, पुरिया में थोड़ा कम है, मारवा और सोनी में ज्यादा है, खासकर मारवा में है कंपोजिशंस अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के। जी बिल्कुल, रिसेंट टाइम्स में पिंजर मूवी आई थी बहुत खूबसूरत, उसमें खूबसूरत सोनी का इस्तेमाल हुआ जो मारवा थाट में आता है। बड़े गुलाम अली खान साहब की ठुमरी है जो मुगल-ए-आज़म है, वो मास्टरपीस है, सुपर्ब जी, बहुत ही, इट्स रियल वंडरफुल। उसका एक हल्का सा अंश Thank you.
बड़े गुलाम अली खान साहब की गाई हुई चीज को ऑन स्टेज गाना, तो एक मैं तो ऐसी देश के बहुत बड़े लीजेंड, बहुत बड़े लीजेंड लेकिन कोई और कंपटीशन भी वैसे ही नौशाद साहब ने बांधी है, उसमें कोई दो राय नहीं। कोई और फिल्म सॉन्ग जो आपको बहुत पसंद हो, भले ही मारवा थाट का ना भी हो, क्योंकि इसमें ट्यूनिंग चेंज करना एक अलग एक्सरसाइज है, लेकिन मुझे याद है आपको संगम मूवी बहुत अच्छी लगी, उसके गाने आपको बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, शंकर जैक्सन साहब का है जी, कोई भी उसमें उन्होंने विश्व शिवरंजनी का एक गाना लिया हुआ है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ अभी, ओ मेरे सनम जी। और यहाँ मूर्छना के हिसाब से ये स्केल बदल जाए, एक लाइन उसका गाएं भी आप। दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे आपके कॉलेज डेज में जो आपके उस टाइम फ्रेंड्स वगैरह थे, इनफैक्ट मम्मी भी बताती हैं कि आप उस टाइम पे कॉलेज में संतूर के साथ गिटार भी बजाते थे। गिटार मैंने बजाई 25 साल, मैंने गिटार बजाई और गैर सारे गाने बजाए, गाने उस टाइम और गाने याद भी रखने पड़ते थे, उस वक्त याद भी रहते थे और याद भी रखने पड़ते थे, क्योंकि अब हजूम है यूथ का, तो कोई कुछ चला रहा है भाई, फलाना गाना तो कोई ये गाना और कोई वो गाना, तो अलग अलग गाने बजाने पड़ते थे, याद रखने पड़ते थे। आज हमारे दर्शक और मैं भी बहुत फॉर्चुनेट हैं कि कोई ऐसी फिल्म चीज़ हमें आपके थ्रू संतूर पे सुनने को मिली, जिस पे हम सिर्फ आपसे हमेशा क्लास को ठुमरी दादरा वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। इस प्रोग्राम की एक प्रथा है जिसमें कि जो भी हमारे मेस्ट्रोज इस श्रृंखला का हिस्सा रहे हैं, हम उन्हें इनवाइट करते हैं कि यहाँ पे हमारी एक ऑटोग्राफ बुक है, उस पे आपके ऑटोग्राफ हमें चाहिए। अच्छा, ज़रूर। मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में रहे और साथ में मैं आपके साथ बैठ सका। ये मेरी ज़िंदगी का पहला मौका है जब मैं ऐसे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और बहुत कुछ सीखने को मुझे इसमें भी मिला है। ये ऑटोग्राफ बुक हम साइन आइए, ठीक है। अच्छा, यहाँ रखा हुआ है जी। दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए जी।